पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुने हुए अभ्यर्थियों को सरकार जल्द ही नियुक्ति देगी। जांच आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के भी परिणाम घोषित होंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद परिणाम को रोक दिया गया था। सरकार ने जांच के लिए आयोग बना दिया है। नर्मदापुरम जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की उपस्थिति में राधा सुधीर पटेल ने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। राज्यसभा सांसद प्रत्याशी और बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल और बीजेपी जिला प्रभारी सीमा सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहीं। इंदौर में नगर निगम परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन भी शामिल हुई। सम्मेलन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। परिषद हॉल का नाम सुमित्रा महाजन पर रखने की मांग, सदन का नाम बदलकर अटल सदन रखने पर हंगामा हुआ। सुमित्रा महाजन के नाम पर नहीं रखने पर हंगामा हुआ। कांग्रेस के पार्षदों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। इस हंगामे पर सुमित्रा महाजन का बयान सामने आया है। कहा है कि मैं जिंदा हूं, मेरे नाम पर हॉल का नाम रखने की क्या आवश्यकता है, किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा सके। तो हंगामे पर सुमित्रा महाजन का यह बयान कि मैं जिंदा हूं, मेरे नाम पर हॉल का नाम रखने की आवश्यकता नहीं और किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा सके, तो कांग्रेस के पार्षदों के हंगामे को फिजूल का बताया है अपने इस बयान से सुमित्रा महाजन ने। राज्यसभा चुनाव के लिए आज एमपी में उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के चारों प्रत्याशियों ने विधानसभा में नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दौरान मौजूद रहे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बता दें बीजेपी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, इनमें से 4 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिलना लगभग तय है। मतदान 27 फरवरी को होगा। भोपाल में माया नारोलिया ने पर्चा दाखिल कर दिया। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली, मैं पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी के मुखिया ने मुझसे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है। नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बड़ा आपको एक योगदान रहा आपका पूरे बीजेपी में और उसको पारदर्शक तौर पर आपको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार में हम सदस्य के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार की परिवार का मुखिया सब सदस्यों की चिंता करते हैं, ऐसे हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं वो हम सब की चिंता करते हैं और उसी का परिणाम है कि पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, जो पंच से लेकर आज ये दायित्व मिला है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व मिला है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति बहुत अच्छी है और उनकी नीयत बहुत अच्छी है, उनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस
पूरी तरह टूट चुकी है। कांग्रेस के लोग प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आधी आबादी यानी महिलाओं को तवज्जो दी गई, क्या लगता है कि और क्या आपको करेंगे आप? देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये माया नरोलिया है जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी के मुखिया ने अब उनकी चिंता की है। कैमरामैन खान सिंह के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। वहीं मंचीलाल गुर्जर ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी मंचीलाल गुर्जर की बीजेपी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी है, केंद्र नेतृत्व का आभार जताया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा हम पर किया है और जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ और आम लोगों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस काम में सहयोगी बनकर के हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अशोक सिंह जमीन से जुड़े हुए और अनुभवी नेता हैं। अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के फैसले के लिए हम सभी केंद्र नेतृत्व के आभारी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि ग्वालियर में सिंधिया का किला ध्वस्त करने में अशोक सिंह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, इससे चंबल में एक नई शुरुआत होगी। अशोक सिंह ने भी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी का आभार व्यक्त करते हैं कि एक जमीनी आदमी को जिन्होंने पिछले 30-35 साल से 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की और उनके जो चार पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरा विधायक दल, सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठजन, सारे यहां उपस्थित नेतागण सब एक साथ हम नेतृत्व का आभार करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को यादव जी को बनाया गया तो यूपी और बिहार के हिसाब से बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया जी के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक शेर दिया अशोक सिंह जी की तरफ से, तो निश्चित तौर से हमारे चंबल में एक नई शुरुआत होगी और सिंधिया का जो किला है उसको ध्वस्त करने में अशोक सिंह जी एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे, जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता है। मैं हृदय से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार और हमारे प्रभारी भगवत जितेंद्र सिंह जी और सबका हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक चुना है। एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम कर सकूँ। यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।